नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्ट सलाह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी 2022 की काउंसलिंग कैसे होगी। जो भी वीडियो जा रहे थे उसमें कमेंट्स आ रहा था कि सर हम लोग एग्जाम दे चुके हैं या कुछ दिनों हम लोग एग्जाम दे लेंगे, तो आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये काउंसलिंग कैसे होगा, कब होगा, उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये तमाम बातें जो हैं वो इस एक वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि काउंसलिंग जो है वो कंपटीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर काउंसलिंग में चूक गए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जबकि आप काबिल हो, आप योग्य हो, आपने अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन अगर काउंसलिंग में अवेयरनेस नहीं रहा, अपडेटेड नहीं रहोगे, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर भी करिएगा। दोस्तों यहां पर मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, यानी सीयूईटी काउंसलिंग 2022 में क्या क्या स्टेप्स आपको क्या कब कब मिलेगा, क्या क्या उसमें फॉलो करने हैं, इन बातों को भी जानेंगे। यहां पे लगभग दो दिनों में आने वाले लगभग 2.5-2 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के बाद फाइनली सीयूईटी का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब आने वाले दो दिनों के बाद 30 तारीख के बाद सीयूईटी में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एग्जाम नहीं दिया हो, सबका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। हर बच्चा अब क्या इंतजार करेगा, रिजल्ट का। लेकिन इस रिजल्ट के आने के पहले और रिजल्ट के आने के बाद में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला यहां पे है आंसर की। दोस्तों आपके रिजल्ट आने से पहले आपको यहां पे एक आंसर की आएगा जो कि ऑफिशियली एनटीए की वेबसाइट पे आएगा, और वो ऑनलाइन पेपर हुआ है तो आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही आपको पता चलेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है सेट के अकॉर्डिंग आता है, कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, कई बार आपके सीधे सीधे आपके एप्लीकेशन नंबर से आपका ही पेपर ओपन होकर आ जाता है, तो वो मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। तो आपको आंसर की मिलेगा जिसमें आप लोग क्लेम कर पाओगे। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लेम का, यानी आपने जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एनटीए सही है, एनटीए ने गलत आंसर दे रखा है लेकिन हम सही हैं, तो इसमें आपको क्लेम करने का एक ऑप्शन मिलता है। खैर मैंने क्लेम पे मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा जब क्लेम आएगा कैसे करना है, तो आप लोग इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका रिजल्ट्स। दोस्तों अलग अलग कोर्स के रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि सभी कोर्स के रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस होंगे, पीजी का अलग होगा। आप सभी को पता है मैंने इस पर एक अलग वीडियो बना दिया था कि आने वाले 10 सितंबर यानी 7 से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है एनटीए के थ्रू, उन्होंने ये चीजें बताया और इस चीज को फिर यूजीसी के चेयरमैन यानी एमजे कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी अपडेट करा। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि तब ये दे पाएंगे, आप बताना कि आपको एनटीए पे कितना भरोसा है, ये क्या सच में बस 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगा। उसके बाद कट ऑफ आता है। दोस्तों देखो कट ऑफ जो है ये अलग अलग कोर्स का, अलग अलग यूनिवर्सिटी का आएगा, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। सीयूईटी में कोई भी टॉपर नहीं होगा, ठीक है, यहां पे क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन बच्चा किस कोर्स में जा रहा है और कितने सब्जेक्ट्स ले रखा है। कोई बच्चा हो सकता है 6-6 डोमेन दे रहा हो, कोई एक ही डोमेन दे रहा हो, कोई बिना डोमेन का जा रहा है, बस जीटी लैंग्वेज लेके, कोई लैंग्वेज नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही अनसर्टेन है। तो ऐसे में हर किसी का कट ऑफ अलग होगा, हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अलग होगा। यही मैं बोल रहा हूं, बड़ा पेचीदा मामला है, वो समझने के लिए आपको वीडियोज देखना पड़ेगा और एक एक्सपीरियंस नॉलेजेबल चैनल को फॉलो करना पड़ेगा जो ग्राउंड लेवल पे काम किया हो। मैंने लगभग पिछले 3 सालों से काउंसलिंग में बहुत अच्छा मेहनत करी है, काम करी है, बीएचयू पार्सल के बाकी मेंबर्स ने भी काउंसलिंग में बहुत काम करी है, तो आपको वो चीजें बता देंगे जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को फेस करने को मिलता है, जो समस्याएं आपको फेस करने को मिलती है, ठीक है। और उतना ही नहीं, मैं आपका यहाँ पे ऑफलाइन में भी मदद करूंगा, अगर आपका काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपकी मदद की जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपका आता है कॉल लेटर। कॉल लेटर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आएगा, यानी मान लो कि आप यूनिवर्सिटी के किसी पार्टिकुलर कोर्स के कट ऑफ में आ गए हो, तो अब आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके एप्लीकेशन नंबर डालने से उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक कॉल लेटर आता है। उस कॉल लेटर में रहता है कि आपका ये रैंक है, आपका इतना इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब मार्क्स है, और आपको इस वेन्यू पे इस डेट को काउंसलिंग के लिए जाना है। यानी कॉल लेटर इज फॉर काउंसलिंग, नॉट फॉर एडमिशन। ध्यान देना, कभी भी काउंसलिंग को एडमिशन मत समझ लेना, काउंसलिंग जो है वो एडमिशन के एक कदम पहले की चीज है, उसके बाद आपका कंफर्म होता है कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं काउंसलिंग के, ठीक है। अब दोस्तों देखो, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख भी सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूं।
जिससे आपको याद रहे स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स कब कब होने हैं, ये मैं डेट वाइज बता दूंगा जैसे जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि काउंसलिंग में के बाद क्या होता है। काउंसलिंग के बाद फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर उसके बाद फीस पेमेंट आता है, उसमें 24 आवर्स का टाइम मिलता है, ये चीज़ें भी आपको आगे आने वाले समय में बताया जाएगा, ठीक है। कमिंग जो वीडियोज है, मुझे पता है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमें कमिंग वीडियोज डॉक्यूमेंट्स पे दे दीजिए, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं रहते हैं, और कुछ ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपका काउंसलिंग से पहले बना के रखना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपडेटेड होने चाहिए और करंट होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे 2-3 साल पुराना डॉक्यूमेंट रखे उसका यूज नहीं है, और बहुत सारे बच्चों के एडमिशन जो है वो उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होने वाला है, और वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपका गलत है या नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप इस कमिंग वीडियोज के भी आप वीडियोज देखोगे, कमिंग वीडियोज का भी, और बाकी ये जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं आपके काउंसलिंग के स्टेप्स हैं, कब होगा ये ध्यान देना। इस 7-10 तारीख के बीच में यदि आपका यूजी का रिजल्ट आ जाता है तो कम से कम 15 दिन बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट फिर यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी और यूनिवर्सिटी को अपना पोर्टल बनाने में टाइम लगता है, तो अबाउट 10-15 डेज जो है वो ये लोग लेंगे, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। यानी मान के चलो कि अक्टूबर तक आपके काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो सकती है और उसी महीने के एंड तक आपका खत्म हो सकता है। सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। सो गाइस प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, मुस्कुराते रहिएगा, बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियो को देखते रहिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा और इसको फॉलो भी जरूर कीजिएगा। हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर।